और केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लेकर आए दिन भर की हलचल, किस तरीके की रही विस्तार से देखिए। और अचानक की दुर्घटना में आपको बता दें, आमना हो गई आग का शिकार। गैस चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, लेकिन इसी बीच आमना को बेहोशी का दौरा पड़ा और वो सीधी गैस चूल्हे के ऊपर गिर गई। लेकिन जब गिरने के बाद छोटे छोटे बच्चे थे, 5 बच्चे आमना के। सबसे पहला बच्चा आसिम 14 साल का, दूसरा बच्चा दानिश 11 साल का, तीसरा अनस 6 साल का, चौथा रिजवान 3 साल का और गुलफशा बेटी 1 साल की। आपको विस्तार से हम बताएंगे। आमना पत्नी आबिद निवासी ग्राम बगिया थाना जलालाबाद। हालांकि आमना का जो पति है आबिद बंबई में काम कर रहा था, लेकिन बीते दिन आमना दूध गर्म कर रही थी। इसी बीच परिवार वालों का ये कहना है कि आमना को दौरा भी पड़ता था और जब दौरा पड़ा तो आमना झुकी और झुकने के बाद गैस चूल्हे के ऊपर पूरा जिस्म उसका चला गया। हालांकि गंभीर अवस्था में घायल हुई, लेकिन आमना का जो जेठ थे जाकिर आनन फानन, उन्होंने परिवार वालों को बताया, जिस पर भाई मेहरबान और आमना का जेठ सीधा मेडिकल कॉलेज लेकर आया। हालांकि मेडिकल कॉलेज इस समय लेकर आए, लेकिन 98% जल चुकी थी आमना। 5 बच्चों को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। इसी बीच जो आमना का जेठ जाकिर है, उसका भाई आबिद जो मुंबई में काम कर रहा था, उसको सूचना दी गई। हालांकि वो चल दिया है, लेकिन दोनों के परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। दोनों के परिवार वालों का ये कहना था, ये तो एक होनी थी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि दूध गर्म कर रही थी गैस चूल्हे पर और आमना को अचानक दौरा पड़ा और दौरा पड़ने के बाद पूरा जिस्म गैस चूल्हे पर जा गिरा, जिससे गंभीर रूप से घायल हुई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि आमना के जो 5 बच्चे हैं वो अभी बच्चे नाबालिग हैं, मासूम हैं। एक बार फिर बता दें, आसिम 14 साल, दानिश 11 साल, अनस 6 साल, रिजवान 3 साल, गुलफशा 1 साल। लेकिन कुल मिला के परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल और पति मुंबई से चल दिया। जाकिर ये बताओ, कैसे आग लग गई और ये कैसे खत्म हो गई? जी अकेली घर में थी, बच्चा आदमी था और गैस जलाया ही दूध है और दौड़ा आ गया जो चूल्हे पे। मैं अपने घर में था, कुछ देर बाद इनकी लड़की आई, छोटी लमसम 3-3.5 साल की है। उसके बाद में वो लड़की भागती हुई गई, हम भागे वहाँ से। जब तक ये काफ़ी चल चुकी थी, एकदम मोहल्ले वाले भी सब आ गए तो रजाई से हमने इन्हें बुझाया। तो हमारे जब निम्बर भी आए तो गाड़ी को अस्पताल में माँ सूचना दी। गाड़ी भी करीब 15 मिनट में आ चुकी थी। माँ हम अपने यहाँ नगरिया लेके गए, वहाँ ने वहाँ देखा, उन्होंने टुप लगा के तुरंत भेज दिया यहाँ के लिए मुझे। यहाँ कितनी देर जिंदा रही? यहाँ वही 3 या 4 घंटे तक बस रही, 4 घंटे तक। शादी हो गई थी? है? शादी हो गई थी जी, शादी हो गई। क्या नाम था इनका? आमना। अच्छा, तो इनके पति क्या करते हैं? चप्पल का काम, यही मजदूरी करते हैं। कहाँ? मुंबई में। तो आपने उन्हें सूचना दी? जी। आ रहे हैं वो? आ रहे हैं, रास्ते में हैं। आप उनके कौन हैं? मैं उनका भाई हूँ बड़ा। अच्छा, शकील के? आबिद का। आबिद का, मतलब ये आपकी भावच थी? भावच थी हमारी छोटी। कोई किसी से गिला शिकवा? नहीं, किसी से नहीं है सर। सर जी, ये हमारे बहनोई के भाई हैं, इन्होंने हमारे पास फ़ोन करा कि तुम्हारी बहन की आग लग गई है, जल्दी आओ। हम गए तो ये लोग अस्पताल लेके आ गए थे, जिला अस्पताल। तो हम सीधे अस्पताल ही आए, हमने अपनी बहन को जला हुआ पाया, बुरी हालत में, 4-5 घंटे तक जिंदा रही वो, तो उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, आपके बहनोई कहाँ हैं? हमारे बहनोई बम्बई गए हुए हैं 15 दिन से, वो आ रहे हैं रास्ता में। आपने उनको सूचना दे दी? हाँ, उनको हमने भी सूचना दी और जो उनके भाई हैं इन्होंने भी सूचना दी, बोले वो आ रहे हैं।
अच्छा, किसी से कोई गिला शिकवा? गिला शिकवा क्या, वो तो आग लगी है इसमें, तो उनसे ही आग लग गई। आपको बीमार रहती थी क्या? हाँ, बीमार भी थी। तो क्या गैस जला रही थी, तो क्या चक्कर आ गया क्या वो? हमें तो ये बता रहे हैं कि वो दूध गर्म कर रही थी चूल्हे पर, उसी दौरान इनको दौरा पड़ा और उसी के ऊपर गिर गई और जल गई। और ये भी बताया कि उस टाइम घर में बच्चे जो थे वो भाग के गए रोते हुए, तो ये हमारे भनोई के भाई हैं, इन्होंने भाग के उसको आग बुझाई। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.